हेलो ऑल, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। तो आज हमारा जो स्मार्ट कोर्स है फॉर प्रीलिम्स 2020, उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्री हिस्टोरिक पीरियड। मैं आप लोगों के साथ अगले 12 लेक्चर्स में एंशिएंट मेडाइवल कल्चर के ऊपर डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें हेल्प हो सके। देखिए, जिस तरह का हमारा प्रीलिम्स का नेचर है, तो वहाँ पे एंशिएंट मेडाइवल और कल्चर, इन तीनों के ऊपर जो वो सवाल पूछे जाते हैं। एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम इन 12 लेक्चर्स में एंशिएंट मेडाइवल कल्चर को अप्रोच करेंगे, तब हम लोग कल्चर को सेग्रीगेट नहीं करेंगे, कल्चर को अलग से स्टडी नहीं करेंगे। कल्चर को हम लोग उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ इंटीग्रेट करके ही स्टडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो कल्चर के दो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, वो एक है पॉटरी मेकिंग, दूसरा आपका है पेंटिंग, और पार्शली तीसरा आपका है आर्किटेक्चर। तो हम लोग इन तीनों चीज़ों को जो है वो क्लास के अभी जो हमारा वीडियो रहेगा उसी में ही डिस्कस करेंगे। उसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन, मॉरियंस, गुप्तास, क्लियर। तो जो भी हमारे कल्चर के डायमेंशन रहेंगे, उनको हम लोग साइमल्टेनियसली ही डिस्कस करना शुरू कर देंगे। अलग से मैं पेंटिंग्स वगैरह नहीं करवाऊंगा। जैसे मुगल आएगा, तो मुगल के दौरान पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर का या म्यूजिक का क्या स्टेटस था, कैसे वो चीज़ें आपकी इवॉल्व हो रही थी, डेवलप हो रही थी, हम उसी तरह से उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग एंशंट हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ योर प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कोई भी रिटन रिकॉर्ड हम लोगों के पास नहीं है। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो वाला टाइम पीरियड है जब आपकी राइटिंग इमर्ज नहीं हुई थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि सबसे पहले जो राइटिंग या स्क्रिप्ट है वो कहाँ पे डेवलप हुई है। हर एक जगह पे अलग अलग कहानियाँ हैं। जैसे कहा जाता है कि सबसे पहले जो आपकी स्क्रिप्ट है वो डेवलप हुई थी, जिसको हम जियाहू सिंबल्स कहते हैं। जो जियाहू सिंबल्स हैं, ये आपके चाइना में 6th-7th century BC के आसपास जो थे वो डेवलप हुए थे। उसी तरह से इंडिया में जो सबसे पहले रिटन सिंबल्स हैं, वो हमारे डेवलप हुए ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उससे पहले का जो टाइम पीरियड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले का जो टाइम पीरियड है, जहाँ पे हमारे किसी भी तरह के रिटन सिंबल्स या राइटिंग्स डेवलप नहीं हुई थी, उसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। और इसके साथ थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूँ। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप इस क्रैश कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट मेडिवल कल्चर रही होगी। तो यहाँ पे जो मेरा एक मेन औचित्य रहेगा, वो रहेगा आप लोग एक तरह से रिवीजन करिए जो आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं। तो यही कारण है कि मैंने पूरा जो लेक्चर्स है हमारा, हर लेक्चर उसको मैंने तीन तरीके से डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग बेसिक जो फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो बेसिक आपके कंसेप्ट्स उनको डिस्कस करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन बेसिकली एंशिएंट मेडाइवल कल्चर में उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड, हम लोग उसके इंपॉर्टेंट कल्चरल डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। और तीसरे टाइम पे अगर कोई आपका एंशिएंट मेडाइवल जो है वो आपके करंट अफेयर्स के अंदर आई है, तो हम लोग जो है वो उसको तीसरे हिस्से में जो है वो कवर करेंगे। तो एक तरह से करंट अफेयर्स की इंटीग्रेशन, जो नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि हिस्ट्री के अंदर करंट अफेयर की रेलेवेंस नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ जो जो इंपॉर्टेंट आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एंशिएंट मेडिवल कल्चर के न्यूज़ में रहे होंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए, अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूंगा, तो एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं। पहला टाइम पीरियड आपका है, दैट इज पेलियोलिथिक एज, देन आपका मेसोलिथिक, देन नियोलिथिक, देन चालकोलिथिक, एंड फोर्थ या फिफ्थ एज इज योर आयरन एज। कभी कभी हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी हम लोग एक और एज भी या एक और इरा भी कंसिडर करते हैं, जिसको हम कहते हैं मेगालिथिक। अब देखिए यार, ये पांच छह तरह की जो कैटेगराइजेशन हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर मैं बिल्कुल आपको बात करता हूं जब ह्यूमन जो है वो आपका इवॉल्व हुआ, तो हम सब लोगों को पता है कि ह्यूमन जो है वो एक आपका बंदर से जो है वो इवॉल्व हुआ। तो सबसे पहले ह्यूमन जब इवॉल्व हुआ, तो सबसे पहले जो आपकी आपका इंपॉर्टेंट ह्यूमन की जो आपकी स्पीसीज थी, वो थी दैट इज योर होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के बाद हम लोग धीरे धीरे, मतलब होमो हैबिलिस वो है जो बंदर से थोड़ा सा ज़्यादा समझदार है, हम लोग धीरे धीरे मेंटली जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं। लेकिन अभी भी जो होमो हैबिलिस है वो बंदरों की तरह पेड़ पे ही रहता है। अभी उसको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि किस तरह से मैं अपने लिए एक अलग से घर बना सकूं। धीरे धीरे होमो हैबिलिस जो है वो अपने आप को और इवॉल्व करेगा, और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा
इवॉल्व हो जाएगा होमो इरेक्टस में, और होमो इरेक्टस जो है वो अपने आप को बाद में फिर इवॉल्व करेगा, जिसको कहा जाएगा दैट इज योर होमो सेपियंस। और हम सारे के सारे लोग जो है वो होमो सेपियंस है, क्लियर। होमो सेपियंस एक तरह का आपका जो वाइजेस्ट मैन है, जो वाइज मैन है, उसको उस वैरायटी को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, होमो सेपियंस। जो इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा जो मॉडर्न मैन है, इस पर्टिकुलर जो आपकी टाइप है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो एक कहानी सिंपल सी है कि पेलियोलिथिक एज की शुरुआत तब से होगी जब आपका होमिनिड्स या आपका जो मंकी है वो अपने आप को होमो हैबिलिस में कन्वर्ट करेगा, फिर धीरे धीरे ह्यूमन की इवोल्यूशन होगी। तो मोर और लेस पेलियोलिथिक एज जो है वो रिलेट करेगी, या उसको हम लोग डिस्कस करते हैं जब ह्यूमन जो है वो अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। एक चीज ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम लोग साइंटिफिक या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज्यादा एडवांस्ड है, इस पर्टिकुलर टाइम पे आर्ट एंड कल्चर में ज्यादा एडवांस है, तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि हमारा जो माइंड है, हमारे जो सोचने की क्षमता है, वो बाकी एनिमल से ज्यादा बेटर है। तो ये वो वाला टाइम पीरियड था जब हम लोगों ने अपने आप को बाकी एनिमल से जो था वो ज्यादा इवॉल्व किया। तो पेलियोलिथिक एज यही कारण है कि इसका बहुत ज्यादा टाइम पीरियड हम लोग डिस्कस करते हैं, 2.5 मिलियन ईयर बीसी से लेके ये आपका जो पेलियोलिथिक एज है ये 10,000 बीसी तक रहेगा। देखिए यार, थोड़ा सा अगर एज ऊपर नीचे होगी तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्लियर। इतना ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी का इन्फॉर्मेशन है, वहीं से ही जो इरा एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, वहीं से उसी को ही हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पेलियोलिथिक का समझ आया कहानी, पेलियोलिथिक में ह्यूमन जो है वो इवॉल्व करेगा फ्रॉम होमो हैबिलिस टू धीरे धीरे होमो सेपियंस। ये वही वाला टाइम पीरियड रहेगा जब हम लोगों को फायर के बारे में, आग के बारे में पता लगेगा। ये वही वाला टाइम पीरियड रहेगा जहां पे इंसान को जो है वो एनिमल किलिंग का एक डिफरेंट तरीके से एनिमल हंटिंग करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब उसका दिमाग जो है उसका विकास हो रहा है। अब जब ह्यूमन पेलियोलिथिक से धीरे धीरे ट्रांसफर होगा और वो मिजोलिथिक पीरियड में आएगा, तो ये मिजोलिथिक पीरियड वो वाला टाइम पीरियड है जब धीरे धीरे इंसान जो है वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर देगा। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का सिंपल सा मतलब ये है, क्योंकि यार इसके पीछे भी एक कहानी है। इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, स्टार्टिंग में जब आपका पेलियोलिथिक पीरियड रहा होगा, तो पेलियोलिथिक पीरियड में इंसान अपने फूड के लिए कंप्लीटली डिपेंडेंट होता था किसके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, या जो तुम्हारी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती थी उसके ऊपर। अब एनिमल्स या फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो वो तुम्हें फॉरेस्ट एरियाज में देखने को मिलती थी। एक और पेलियोलिथिक एज के अंदर एक टाइम पीरियड था, आप सब लोगों ने सुना होगा आइस एज के बारे में। तो जो पेलियोलिथिक एज है ये मोर और लेस आपकी आइस एज को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें मैक्सिमम आपका जो एरिया था वो आपका आइस कवर्ड एरिया था। तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान के पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज, उतने ज़्यादा एरियाज नहीं रहे होंगे जहाँ पे वो एक प्रॉपरली सेटल हो सके, तो वो एक जगह से दूसरी जगह अपने शिकार की तलाश में मूव करता रहता था। तो जब तक पेलियोलिथिक एज थी तो इंसान कंप्लीटली आपका हंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट था। तो जब कोई इंसान हंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट होगा तो हमेशा कोशिश करेगा कि कैसे या एनिमल किलिंग को मैं किस तरह से ज़्यादा एक्सपर्ट तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। जैसे क्या मैं अगर मैंने किसी एनिमल को मारना है तो क्या उस एनिमल को मारने के लिए मेरे को बहुत बड़े पत्थर की आवश्यकता है, कि क्या मैं उस एनिमल को एक बड़े छोटे से पत्थर जिसको मैं नुकीला करूंगा आगे से उसके थ्रू भी एनिमल किलिंग कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं पेलियोलिथिक एज में जो इंसान की इवोल्यूशन हुई तो उसका जो प्रैक्टिस है या उसका जो मेन ओरिएंटेशन है वो एनिमल किलिंग के ऊपर ही रहेगा। तो जब तुम लोग देखना जब वो हथियार के लिए टूल्स को यूज करेगा तो उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, कि कभी बड़ा पत्थर यूज कर रहा होगा, कभी छोटा पत्थर यूज करेगा, कभी छोटे छोटे ब्लेड्स यूज करना शुरू कर देगा, क्योंकि धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उसको रियलाइज होगा कि हंटिंग करने के लिए जो है वो उसको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टूल्स की आवश्यकता है। तो देखेंगे थोड़ी देर में हम लोग कि किस तरह के टूल्स जो थे वो हमारे जो पूर्वज थे पेलियोलिथिक एज में वो यूज किया करते थे, क्लियर। तो पेलियोलिथिक क्योंकि आइस एज थी, हंटिंग के ऊपर मेन डिपेंडेंसी थी, लोगों को ये आइडिया नहीं था कि एग्रीकल्चर जो है वो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, एग्रीकल्चर जो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम लोग जो हैं वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में कल को एनिमल ना मिले तब हम उस एनिमल को कंज्यूम कर लें, या एनिमल को हम लोग दूध वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये जो मिल्क के लिए एनिमल को यूज़ करना ये बहुत बाद में शुरू हुआ था। तो मीजोलिथिक एज जो है वो एक तरह से पेलियोलिथिक और जो आपका न्यूलिथिक एज है इसके बीच का ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है। तो मीजोलिथिक वो टाइम होगा जब इंसान जो है, या ये वो वाला टाइम रहेगा जब आपकी आइस एज जो है वो खत्म हो गई होगी। धीरे धीरे आइस एज या आइस एज के खत्म होने से अलग अलग जगहों के ऊपर रिवर्स फ्लो होनी शुरू हो गई होंगी और रिवर्स के किनारे वाला एरिया वो फर्टाइल रहा होगा। तो लोगों को इस टाइम पे रियलाइज हुआ होगा कि जितना ज्यादा नदियों के पास वाला एरिया है वहां पे अगर हम किसी पर्टिकुलर क्रॉप को सो करते हैं, किसी पर्टिकुलर क्रॉप को लगाते हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो यहां पे इंसान के दिमाग में आया होगा कि क्यों ना हम लोग एक सेटल
सेटल्ड लाइफ जीते हैं, क्योंकि पेलियोलिथिक एज में उन लोगों को अपने खाने के लिए, एनिमल्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो था वो भटकना पड़ता था। तो यही कारण था कि पेलियोलिथिक एज में वो कभी भी एक सेटल्ड लाइफ नहीं जी पाए। मीज़ोलिथिक एज वो वाला टाइम रहेगा, अब इंसान को रियलाइज़ होगा कि मैं एक टाइम पे या एक जगह के ऊपर सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर देता हूँ, तो सबसे पहले वो एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन करेगा और धीरे धीरे जो है वो एग्रीकल्चर करने की शुरुआत करेगा। नियोलिथिक पीरियड वो पीरियड है जहाँ पे प्रॉपरली तुम्हारी विलेज लाइफ जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगी। इंसान एक जगह के ऊपर बैठ के सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर देगा, और जब इंसान एक जगह के ऊपर सेटल्ड लाइफ जीना शुरू करेगा, अब ध्यान रखना, अब ये वो वाला टाइम पीरियड रहेगा जब तुम्हारे यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप होगा। अब लोग अपने लिए घर बनाएंगे, अब घर बनाएंगे एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर रहेंगे, वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कल्चर डेवलप होना शुरू होगा, चाहे वो आपको पेंटिंग्स के रूप में रिफ्लेक्ट हो, चाहे वो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ आपका जो हाउस आर्किटेक्चर है उसके रूप में रिफ्लेक्ट हो, या कहीं ना कहीं जो एविडेंसेस हम लोगों को मिलते हैं, तो एविडेंसेस शायद पेलियोलिथिक के इसलिए कम है क्योंकि उस टाइम पे ह्यूमन जो था वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। बट ऑन कॉन्ट्ररी जो नियोलिथिक एज जहां पे इंसान एक जगह के ऊपर बैठ के सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर रहा है, तब हम लोगों को कहीं ना कहीं ज्यादा कल्चरल एविडेंसेस उसके मिलेंगे। तो यही कारण है कि अब जो भी टाइम पीरियड आपका आएगा, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है, या बाकी आपके इराज हैं, वहां पे नो डाउट रिटर्न डॉक्यूमेंट्स भी है, लेकिन साथ में जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो भी ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंसान हम लोगों को एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर इन स्पेसिफिक एजेस में देखने को मिलेगा। तो आपका जो नियोलिथिक पीरियड या नियोलिथिक एज रहेगी उसका टाइम पीरियड आपका है 8000 BC टू 4000 BC। उसके साथ अगर मैं चालकोलिथिक एज की बात करूंगा, अब देखिए यहां पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि जो चालकोलिथिक एज है और जो आयरन एज है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, या ब्रॉन्ज एज और चालकोलिथिक एज जो है वो कैसे डिफरेंट है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने जो मेटल यूज किया उस मेटल का नाम था कॉपर। कॉपर का ही एक एलॉय है जिसका नाम है ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज जो है वो थोड़ा बेटर एलॉय माना जाता है, उसको एक तरह से उसकी शेप को चेंज करना कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा आसान रहता है। तो अगर कोई मान लो कोई एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर लोगों को ब्रॉन्ज का आइडिया है, तो इसका मतलब है कि वो मेटल क्राफ्ट में ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो शायद थोड़े से ज़्यादा डेवलप्ड है, वो शायद थोड़े से ज़्यादा एडवांस है। तो कहानी सिंपल सी ये है कि सबसे पहले जब हम लोगों ने जो कॉपर को यूज करना शुरू किया, क्योंकि चालकोलिथिक एज से पहले जो आपकी पेलियोलिथिक का मतलब होगा, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज। मीज़ोलिथिक का मतलब होगा मिडल और लिथिक का मतलब अगेन होगा स्टोन, तो मिडल स्टोन एज। नियोलिथिक में न्यू प्लस स्टोन एज, मतलब नियोलिथिक एज में भी आप लोग पत्थर को ही एक टूल के रूप में यूज कर रहे थे, लेकिन चालकोलिथिक एज ये वो वाला टाइम पीरियड रहेगा जहां पे आप लोग सबसे पहले मेटल को यूज करेंगे। तो जो चालकोलिथिक और आयरन एज है इसको हम लोग मेटल एज के रूप से या मेटल एज के नाम से भी जानते हैं। चालकोलिथिक एज सबसे पहले आप लोगों ने कॉपर यूज करना शुरू किया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कॉपर जो है वो आपका साउथ में आ गया, सेंट्रल में आ गया, तो अलग अलग जगह पे लोगों ने जो है वो अब पत्थर की जगह पे जो है वो किसको यूज करना शुरू कर दिया, कॉपर को यूज करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही हम लोगों ने कॉपर को यूज करना शुरू किया, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि अब हमारे यहाँ पे चालकोलिथिक एज जो है वो शुरू हो चुकी है। तो चालकोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 4000 BC टू 1500 BC के आसपास है। थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो 4000 BC से लेके इवन हमें कुछ जगहों पे ऊपर 700 BC तक भी चालकोलिथिक एज देखने को मिली है। अब इसका मतलब समझिए कि क्या है। अब लोग पूरे के पूरे इंडिया में एक तरह से कॉपर को यूज कर रहे हैं। अब कुछ जगहों के लोग ऐसे रहेंगे जो ज़्यादा फर्टाइल एरियाज में रह रहे हैं, जिनके पास एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और कंट्रीज़ के साथ जो आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने ट्रेड रिलेशंस अडॉप्ट जो है वो एक तरह से ट्रेड रिलेशंस जो है वो बिल्ड करेंगे, और उनका जो करैक्टरिस्टिक्स या वहाँ के जो फीचर्स है, वहाँ का जो मेटल है, उसको अपने यहाँ पे इन्फ्यूज़ करेंगे, यूज़ करना शुरू करेंगे। तो देखो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो आपका राजस्थान गुजरात वाले एरियाज है ये अब कॉपर की जगह पे जो है वो ब्रॉन्ज को यूज करना शुरू कर देंगे। तो जितने भी आपके रिवर वाले एरिया जहां पे बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल थी, ये लोग अब ब्रॉन्ज को यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कॉपर। तो देखो कहानी कुछ नहीं है, कहानी सिंपल सी है कि ये जो है वो एक तरह से आपकी ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये लोग थोड़े से ज़्यादा एडवांस्ड होंगे एज अ कम्पेयर टू जो बाकी लोग बच जाएंगे। तो यही कारण है कि जो आपकी ऊपर वाले एरियाज के ये वाले जो सारे के सारे लोग हैं, ये आपके मेटल एज के अंदर ही ब्रॉन्ज एज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ज़्यादा एडवांस्ड है, जिसकी अर्बनाइज्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जो आपके जो नीचे वाले एरियाज के लोग रह गए, सेंट्रल एशियन, सेंट्रल इंडिया या साउथ पार्ट
वाले, ईस्टर्न साइड वाले, ये सारे के सारे जो है वो आपके चालकोलिथिक एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चालकोलिथिक एज का आसान भाषा में मतलब वो वाले लोग जिन्होंने मेटल को डिस्कवर तो कर लिया है लेकिन उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो अभी भी रूरल है, उन्होंने अभी तक अर्बनाइज्ड एरियाज नहीं बनाए हैं। तो इसका सिंपल सा कहानी, अगर अगर आप इंडिया की ज्योग्राफी को थोड़ा सा समझते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में हमारे यहाँ पे जो ये वाले पोर्शन सेंट्रल या सदर्न पोर्शन है, यहाँ पे नदियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा पेरिनियल नहीं है। तो अगर नदियाँ बहुत ज़्यादा पेरिनियल नहीं होंगी या नदियाँ पेरिनियल नहीं होंगी तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो यही कारण है कि यहाँ पे जो है वो तुम लोगों को मोर और लेस चालकोलिथिक एज जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। और ऊपर वाले जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को चालकोलिथिक से शिफ्ट कर लिया था ब्रॉन्ज एज में, तो वो एक अलग तरह की मेटल एज को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम ब्रॉन्ज एज, या ब्रॉन्ज एज को आसान भाषा में समझाऊं तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं, दैट इज योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर? और आयरन एज की मतलब सिंपल सा है, आयरन एज वो है मॉडर्न एरा रिप्रेजेंट करता है जब आप लोगों ने आयरन की डिस्कवरी कर ली थी। क्लियर? दिस इज योर आयरन एज। तो मोर ऑर लेस ये हमारे अलग अलग तरह से हम एंशियंट हिस्ट्री को जो है वो स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसके साथ मैंने एक और शब्द यूज किया था, दैट इज योर मेगालिथिक, दैट इज योर मेगालिथिक। तो देखिए मेगालिथिक में भी तुम लोग देखो, मेगालिथिक में भी अगर तुम देखो नाम से पता चलेगा, लिथिक का मतलब अभी मैंने आपको बताया, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, मेगा का मतलब होता है जो बहुत बड़े साइज के स्टोन्स जो हैं वो यूज किए जाएंगे। अब जैसे क्या कैसे यूज किए जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अपना घर बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, तो उसके लिए आप लोगों ने जो एक बहुत बड़ा पत्थर यूज कर लिया, उसको बीच में से काटना शुरू कर दिया और यहां पे रहना, बीच में रहना शुरू कर दिया। या दूसरा मान लो किसी की डेथ होगी, किसी को आपने जो वो बरी कर दिया, अब जब बरी कर दिया तो सिर्फ एक तरह से बरियल प्रैक्टिस के रूप में तुम लोग क्या करोगे, उसकी जो ग्रेव है उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दोगे, बहुत बड़े साइज का पत्थर रख दोगे। तो जब या जिन जगहों के ऊपर हमें ज़रूरत से ज़्यादा बड़े पत्थर देखने को मिले, उस या उन स्पेसिफिक साइट्स को हम लोग या उन स्पेसिफिक एरियाज को हम लोग कहते हैं मेगालिथिक पीरियड या मेगालिथिक एज। अब देखिए यार, मेगालिथिक जो है वो आज अगर मैं इंडिया की बात करूंगा तो मेगालिथिक को हम लोग मोर और लेस जो है वो आयरन एज के साथ लिंक करते हैं, क्योंकि कहानी क्या है कि जब आपका नॉर्थ इंडिया में आयरन को बहुत एक्सटेंसिव रूप से यूज़ किया जा रहा था, तब साउथ इंडिया में भी आयरन को यूज़ कर रहे थे, पर साउथ इंडिया में उस एक्सटेंसिव लेवल के ऊपर आयरन की यूजेज नहीं थी जितनी कि नॉर्थ इंडिया के ऊपर थी। तो जब ये लोग आयरन को यूज़ करते थे तो ये आयरन क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों को जो चिजल कर देते थे, बड़े बड़े पत्थरों को जो वो काट के उनके अंदर छोटे मोटे जो है वो घर टाइप या मंदिर वगैरह बनाना या केव्स वगैरह जो है वो बना दिया करते थे। या उसके साथ साथ जो है वो ये लोग क्या करते थे कि कॉमेमोरेशन के लिए, या जब मान लो कोई डेथ, किसी का डेथ हो जाता था, मृत्यु हो जाता था, तो उसके ऊपर एक बड़े बड़े पत्थर को चिजल करके एक स्पेसिफिक शेप में उस ग्रेव के ऊपर जब उस पत्थर को रख दिया करते थे। तो उन पत्थरों का जो साइज होता था वो बहुत ज्यादा बड़ा होता था, आयरन को यूज करते थे लेकिन आयरन उस लेवल पे यूज नहीं होता था जिस तरह से आपका नॉर्थ इंडिया में आपके आयरन की यूजेस थी। इसको हम लोग बाद में देखेंगे जब हम संगम एज में देखेंगे। संगम एज को हम लोग मेगालिथिक के साथ लिंक करते हैं क्योंकि संगम एज शुरू होने से पहले वहां पे जो पूरे का पूरा साउथ इंडिया था वो एक तरह से मेगालिथिक पीरियड को रिप्रेजेंट करता था। तो आसान भाषा में याद रखिए, मेगालिथिक पीरियड को आप लोग जो है वो चालकोलिथिक का जो लेटर वाला पोर्शन है या इवन आयरन एज के साथ जो वो लिंक कर सकते हैं। मेगालिथिक पीरियड आपका मोर और लेस 2000 BC से लेके आपका 500 BC तक जो है वो आपको मेगालिथिक पीरियड जो है वो एक्सटेंडेड या एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। आज का जो करंट अफेयर हमारा है एंशियंट मेडिवल कल्चर के ऊपर वो मेगालिथिक के ऊपर ही है जो सितंबर अक्टूबर में आपकी न्यूज़ के अंदर आया था। तो आई थिंक ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। अब चलिए एक एक की स्पेशल या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग अगर प्री हिस्टोरिक पीरियड की इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करोगे तो सबसे पहले पेलियोलिथिक साइट है, देन मीजोलिथिक है, देन नियोलिथिक है। क्लियर? इन तीन साइट्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये स्पेसिफिक फाइल जो है वो मैं आप लोगों के साथ आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर लूंगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखो, सबसे पहले अगर मैं पेलियोलिथिक साइट्स की बात करूंगा तो पेलियोलिथिक साइट्स में यहाँ पे आपकी पाकिस्तान आपका आज का एरिया है, वहाँ पे एक वैली है, सब लोग इसको याद रखोगे, जिसका नाम है सोन वैली। तो सोन वैली जो है वो बेसिकली पेलियोलिथिक साइट को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है? कश्मीर के साथ ही है यहाँ पे सोन वैली। दूसरा जो है वो आपका जो रिप्रेजेंट करेगा, जो आप लोगों ने याद रखना है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी के अंदर जो है वो आप लोग सब लोगों ने एक जगह का नाम सुना होगा, मिर्ज़ापुर, या उसको हम लोग कह देते हैं दैट इज योर वेलन वैली। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक आपकी वेलन वैली होगी जहां पे आपको पेलियोलिथिक साइट्स या पेलियोलिथिक के एविडेंसेस जो है वो देखने को मिलेंगे। साथ में आप लोगों को छोटा नागपुर में भी पेलियोलिथिक एविडेंसेस देखने को मिलेंगे, साथ में आपको जो है वो भीमबेटका के अंदर भी पेलियोलिथिक के एविडेंसेस देखने को मिलेंगे, साथ में जो आपकी नर्मदा और सोन रिवर है वहां पे भी पेलियोलिथिक साइट्स के एविडेंसेस देखने को मिलेंगे।
देखिए आसान भाषा में पेलियोलिथिक वो वाला टाइम पीरियड है जहां पे तुम पत्थरों को यूज कर रहे हो, एक अनसेटल्ड लाइफ जी रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है मोर और लेस यहां पे तुम लोग जो वो फॉरेस्ट्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होंगे। मीजोलिथिक और नियोलिथिक में धीरे धीरे जब वो तुम प्लेन एरियाज के ऊपर आना शुरू हो जाओगे और वहां पर तुम लोगों को जो है वो मीजो और नियोलिथिक साइट्स जो वो देखने को मिलेंगी। एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी हम लोगों को एक जगह के ऊपर जो है वो पेलियोलिथिक एविडेंसेज भी मिल जाते हैं और मीजोलिथिक एविडेंसेज भी मिल जाते हैं, तो वो साइट जो है वो दोनों के करेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करती है, दैट इज पेलियोलिथिक भी और मीजोलिथिक भी। अब देखिए क्लास सिक्स का डायग्राम है। अब देखो वैसे अगर मैं बड़ी क्लासेस या नई पुरानी एनसीईआरटी को पिक करूंगा तो उसमें बहुत ज्यादा साइट्स दी हुई हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखिए समझिए, पेलियोलिथिक साइट्स की अगर बात करो तो मोर और लेस तुम्हारा जो है वो आपका नदन पोर्शन में ज्यादा है, जो आपके हिली एरियाज है यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मैं मीजोलिथिक साइट्स की बात करूंगा तो आपके जो मीजोलिथिक साइट्स हैं, मीजोलिथिक साइट्स जो है वो देखो कहाँ देखने को मिल रहे हैं, आप लोगों को ब्रह्मगिरी के अंदर देखने को मिल रहे हैं तमिलनाडु में, आप लोगों को जो वो नर्मदा और विंध्याज में देखने को मिल रहे हैं मध्य प्रदेश वाले एरिया में, आप लोगों को जो वो भीमबेटका में देखने को मिल रहे हैं अगेन मध्य प्रदेश वाले एरियाज में। तो मोर और लेस जहाँ पे पेलियोलिथिक साइट्स हैं उन्हीं के साथ जो वो आपको भीमबेटका की साइट्स भी देखने को मिलती हैं। उसके साथ अगर मैं नियोलिथिक साइट्स की बात करूंगा, ये वो वाली साइट्स है जहाँ पे एग्रीकल्चर जो वो तुम्हारा एक तरह से डेवलप हो गया होगा, तो नियोलिथिक साइट्स की अगर मैं बात करूंगा तो आपको इनाम गाँव में देखने को मिलेगा। देखिए इनाम गाँव आपका यहां पे आ गया महाराष्ट्र में, आपको बुर्जा होम में देखने को मिलेगी। देखिए बुर्जा होम कहां पे आ गया, आपका कश्मीर में आ गया। आपको मेहरगढ़ में देखने को मिलेगी, मेहरगढ़ कहां पे आ गया, आपका पाकिस्तान के अंदर आ गया। आपको दजोली हेडिंग में देखने को मिलेगी, कहां पे आ गया, आपका असम और त्रिपुरा के बॉर्डर के ऊपर आ गया। आपको हेलूर में देखने को मिलेगी, हेलूर जो है वो आपका यहां जैसे है आंध्र प्रदेश के अंदर। आपको जो है वो प्यामबली के अंदर देखने को मिलेगी, देखिए प्यामबली जो है वो आपका कहां पे आ गया, आंध्र प्रदेश के अंदर। आपको बिहार के अंदर जो है वो छिरंद में देखने को मिलेगी, छिरंद जो है वो आपकी एक नियोलिथिक साइट है। तो देखिए यार इन थोड़ी सी साइट्स को आप लोग ध्यान रखना, वैसे बहुत ज़्यादा जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो पुश नहीं कर रहा हूँ मेमोराइज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, हेलूर जो है वो आपके कर्नाटका में पड़ेगी ना कि आपके आंध्र प्रदेश में, हेलूर आपकी जो है वो कर्नाटका में है। क्लियर है? तो ये थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप लोग जो है वो मेमोराइज करोगे और याद करोगे, डन। और देखो जैसे कोल्डी हवा है, कोल्डी हवा आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है, देखिए यहाँ पे ये देखिए, तो जो कोल्डी हवा आपका उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे तीनों तरीके, ये आपको नियोलिथिक मिलेगी, आपको चालकोलिथिक भी मिलेगी और ये आपको यहाँ पे जो वो आयरन एज भी देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ इन साइट्स में यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन के अंदर मेंशन नहीं किया है, इन्हीं साइट्स में जो है वो आप लोगों को मेगालिथिक्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे देखो मेगालिथिक आपका एक ये आ गया, देखो ब्रह्मगिरी आ गया, ये देखिए अदाय चनलूर आ गया, ये भी आपका जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी मेगालिथिक साइट्स को। तो मेगालिथिक साइट्स मोर और लेस जो है वो हम लोगों को साउथ इंडिया या सेंट्रल इंडिया में ज्यादा देखने को मिलती हैं। क्लियर? अब देखो आप लोग बोलोगे कि इसको याद क्यों करना है, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए जरा कौन सी जो साइट है वो फेमस है फॉर नियोलिथिक या मीजोलिथिक या पेलियोलिथिक, तो आप इस पर्टिकुलर जो आपका मैप है इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना। अब देखिए सबसे पहले जो पेलियोलिथिक, इसकी इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ, देखिए ये आपके सामने जो टूल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ये वो वाला टूल है जो सबसे पहले हम लोगों ने लोअर पेलियोलिथिक पीरियड के दौरान जो है वो यूज़ किया, ये ठीक है, जिसको क्लियर, ये आपका जो है वो लोअर पेलियोलिथिक जो पीरियड है उसके दौरान हम लोगों ने यूज़ किया, इसको हम लोग जो है वो कह देते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज चॉपर। उसके बाद ये देखो ये आपकी हैंड एक्सिस, हाथ में पत्थर को अगर आगे से नुकीला कर दो, दिस इज हैंड एक्सिस, जिसको हाथ में पकड़ के जो है वो एनिमल हंटिंग के लिए जो था वो हम लोग यूज करते थे। तो जो पेलियोलिथिक एज था उसमें स्टार्टिंग में हम लोग से ब्लेड्स, ये देखिए जो थोड़े से आपके ब्लेड्स हैं वो और ज़्यादा छोटे होने शुरू हो गए। तो जब आप लोग मीजोलिथिक में जब आप लोग मिडल पेलियोलिथिक में आओगे तो पत्थरों का साइज जब वो थोड़ा छोटा हो जाएगा और वो थोड़े से ज़्यादा शार्प और थोड़े से ज़्यादा नुकीले हो जाएंगे। और पेलियोलिथिक में जो मोर और लेस हम लोग जिस पत्थर को यूज़ करेंगे उस पत्थर को कहा जाएगा क्वार्ट्जाइट। आप सब लोगों ने इस पत्थर के बारे में सुना होगा, क्वार्ट्जाइट जो है वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है। तो क्वार्ट्जाइट को यूज़ किया जाता था क्योंकि हम लोगों को पता है कि मेटामॉर्फिक रॉक कंपैरेटिवली थोड़ी सी हार्ड रहती है, तो ऑब्वियस बात है अगर हार्ड रॉक होगी तो उसके थ्रू शिकार करना आसान रहेगा। तो यही कारण था जो पेलियोलिथिक या ओल्ड आपकी स्टोन एज थी उसके जो इंसान जो कि क्वार्ट्जाइट स्टोन को यूज़ करता था उसको हम लोग क्वार्ट्जाइट मैन के रूप में या क्वार्ट्जाइट एज के रूप में भी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को जो है वो जानते हैं। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पेलियोलिथिक के बारे में देखा था, पेलियोलिथिक मोरल एज जो था वो हमें
में जो आपके हिली एरियाज हैं, स्पेशली जो रिवर वैलीज के आसपास वाले एरियाज हैं, वहाँ पे हम लोगों को जब ज़्यादा पेलियोलिथिक एरियाज जो हैं वो देखने को मिलते हैं हिली एरियाज के पास। प्लेन एरियाज में आपको पेलियोलिथिक उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। कारण सिंपल सा है, क्योंकि पेलियोलिथिक पीरियड में हम लोग जो हैं वो एनिमल हंटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि एग्रीकल्चर के ऊपर। तो देखिए यही कहानी है। तो देखो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो आपके हंटर एंड गैदरर्स रहेंगे, एग्रीकल्चर पॉटरी के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं रहेगा। नो डाउट होमोसेपियंस जो था वो पेलियोलिथिक के एंड में आ गया होता है, तो धीरे धीरे उसने फायर को भी बाद में यूज़ करना शुरू कर देता है। क्लियर है। उसके बाद टूल्स की बात करूंगा तो हैंड एक्सेज है, ठीक है, जो आपके क्लीवर्स हैं, आपके चॉपर्स हैं, ठीक है, आपके ब्लेड्स हैं, स्क्रैपर्स हैं, बरियन है, पत्थर के ये अलग अलग तरीके हैं जिनको कभी छोटा किया जा रहा है, कभी नुकीला किया जा रहा है, कभी बेटर किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपकी पेलियोलिथिक एज की हैं। क्लियर। अब देखो अगर मैं मीजोलिथिक बात करूंगा तो मीजोलिथिक ये वो वाला टाइम पीरियड है जहां पे हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट करना शुरू करेंगे। अब हम लोगों को जो है वो थोड़ा सा फायर के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे हम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हम एक सेटल्ड लाइफ जो है वो प्लेन एरियाज में जी सकते हैं। साथ में आइस एज खत्म हो जाएगी, पानी आपका आइस पिघल के वाटर के रूप में फ्लो करेगी, हर जगह नदियां चलनी शुरू हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं मीजोलिथिक जो है वो आपका एक शिफ्ट है, एक ट्रांजिशन है, जहां आप हंटर गैदरर से एक सेटल्ड लाइफ की तरफ जो है वो जीना शुरू कर रहे हो। और मीजोलिथिक में इंसान थोड़ा सा और इवॉल्व होगा, और वहां पे बिल्कुल ये बहुत छोटे छोटे साइज के पत्थर हैं जिनको माइक्रोलिथिक कहते हैं। माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक का मतलब तो बहुत छोटे छोटे 4-4 mm के बहुत छोटे छोटे साइज के जो आपके पत्थर हैं उनको यूज किया जाएगा। सॉरी 4 सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे पत्थरों को यूज किया जाएगा। तो मीजोलिथिक पीरियड में बहुत छोटे साइज के पत्थर शिकार वगैरह के लिए यूज होते थे। इसका सबसे बड़ा शायद कारण यह भी था कि अब हम लोगों ने एनिमल किलिंग के साथ साथ, एनिमल हंटिंग के साथ साथ जो फिशरीज है उसके ऊपर भी फोकस करना शुरू कर दिया था। तो मछलियों को पकड़ने के लिए थोड़ा सा छोटा बिल्कुल नुकीला सा पत्थर चाहिए, तब शायद फिश हंटिंग या फिश को कैच करना कंपैरेटिवली क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो बेसिकली मीजोलिथिक पीरियड एक ट्रांजिशन है जहां पे तुम एक अनसेटल्ड लाइफ से सेटल्ड लाइफ के रूप में या सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव कर रहे हो। टूल्स आज भी तुम पत्थरों को यूज कर रहे हो, लेकिन पत्थरों का जो साइज है, टूल्स का जो साइज है, वो बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है। उसके बाद नियोलिथिक एज की बात करें, अगेन यहां पे भी तुम स्टोन को यूज करोगे, लेकिन स्टोन बहुत ज्यादा पॉलिश्ड होंगे, बहुत सुंदर दिखेंगे। देखिए यहां पे देखो, अब पुराने स्टोन्स के साथ कंपेयर करोगे तो ये ज़्यादा पॉलिश्ड, ज़्यादा शार्प, ज़्यादा हल्के, ज़्यादा बेटर स्टोन टूल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये वो वाला टाइम पीरियड है जब आप लोग प्लेन एरियाज में आ चुके हो। ये वो वाला टाइम पीरियड है जब आप लोगों ने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करनी शुरू कर दी हैं। ये वो वाला टाइम पीरियड है जहाँ पे आप गेहूं, बारले, राइस, मिलेट्स, शीप, गोट, कैटल, इनकी डोमेस्टिकेशन भी आप लोगों ने करनी शुरू कर दी है। वैसे डोमेस्टिकेशन हमारी म्यूजोलिथिक पीरियड पे जो पीरियड था उसमें शुरू हो गई है। अब पूछा जाता है कि सबसे पहले डोमेस्टिकेशन किसकी हुई है, तो सबसे पहले शीप, डॉग, गोट, इनकी डोमेस्टिकेशन हम लोगों ने करनी शुरू की थी। अब कहानी ये है कि इनकी डोमेस्टिकेशन इसलिए हुई क्योंकि ये वो वाले एनिमल्स हैं जो जिनसे इंसान को ज़्यादा खतरा नहीं था। ये थ्रेटनिंग एनिमल्स नहीं थे शीप, गोट, जिनसे इनको इंसान ईजिली जो था वो कंट्रोल कर सकता था। नहीं तो शायद आप लोग जो थे वो और भी खतरनाक एनिमल्स को जो है वो डोमेस्टिकेट कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने जो कंपेरेटिवली शांत स्वभाव के आपके एनिमल्स थे उनको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। दूसरी बात, अभी हम लोगों ने देखा था कि मेहरगढ़ भी नियोलिथिक साइट है। मेहरगढ़ वो वाला एरिया है जहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को गेहूं और कॉटन देखने को मिलेगा। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के अंदर वो वाला एरिया है जहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को जो है वो एक तरह से कल्टीवेशन ऑफ राइस देखने को मिलेगी। क्लियर है, डन। वैसे आलमगीरपुर है और भी आपकी स्पेसिफिक साइट्स है जहाँ पे हम लोगों को इस तरह के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। नियोलिथिक का सबसे इम्पॉर्टेंट आपका कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन वो है, अब हम लोग क्योंकि सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं तो हम लोगों ने जो है वो पॉटरी मेकिंग शुरू कर दी हुई है। पॉटरी मेकिंग दो तरीके से है, या तो तुम हाथ से पॉट्स बना सकते हो, या तो तुम लोग व्हील को यूज़ करके पॉट्स बना सकते हो। व्हील को यूज़ करके पॉट बनाना कंपैरेटिवली आसान रहता है, और पहले हम लोग हाथ से पॉट्स बनाते थे, धीरे धीरे हम लोगों ने जो वो व्हील को यूज़ करना शुरू कर दिया पॉट्स बनाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को फायर की पता चल चुका था, आग को किस तरह से यूज़ करना है फॉर पॉटरी मेकिंग, इसका भी हम लोगों को आइडिया लग गया था। अब शायद तुम्हारे दिमाग में सवाल आना चाहिए कि पॉटरी मेकिंग इस पर्टिकुलर टाइम पर क्यों शुरू हुई, इससे पहले पॉटरी मेकिंग हमें क्यों नहीं देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हो तो अब आपको जो है वो अपना अनाज, जो भी तुम ग्रेन्स प्रोड्यूस करोगे, उन ग्रेन्स को कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे, तो उनको स्टोर कहाँ किया जाता था, जो आपके पॉट्स होते थे उनके अंदर स्टोर किया जाता था। अब तुम लोगों को पीने के लिए भी पानी चाहिए, उसको वाटर को कहाँ स्टोर करोगे, तुम पॉट में उसके लिए जो पॉट्स बनाने पड़ते थे। अब दो कलर ज़्यादा यूज होते हैं, एक आपका ब्लैक कलर और ग्रे ग्रे कलर,
नियोलिथिक एज में आप लोग जो दो कलर की पॉटरी करोगे, एक होगी आपकी ब्लैक कलर की पॉटरी और दूसरी आपकी होगी कौन सी, ग्रे कलर की पॉटरी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी, जब आप लोग एक सेटल्ड लाइफ जियोगे तब आप यहाँ पे घर बनाना शुरू करोगे और घरों में मड ब्रिक्स यूज करना शुरू कर दोगे। इससे पहले आप लोग केव्स वगैरह में रहा करते थे, अब तुम एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हो, अब तुम्हें अपने तरीके से वहां पे घर बनाना पड़ेगा। तो तुम सबसे पहले मड ब्रिक्स यूज करोगे। मड ब्रिक्स मतलब आसान भाषा में कच्ची कच्ची मिट्टी की ईंटे, जो कि आप लोग पुराने गांव में आज भी आप लोगों को उस तरह के घर देखने को मिलते हैं। अब फिर धीरे धीरे तुम इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब जाओगे तो हम देखना क्यों वो उसको हम एडवांस कहते थे, क्योंकि वहाँ पे मड ब्रिक्स नहीं थी, वहाँ पे बर्नट ब्रिक्स थी, जली हुई ईंटें थी जो ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, ज़्यादा पावरफुल होती हैं। यही कारण है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय हुए इतने साल हो गए, लेकिन आज भी उनकी ईंटें जो है वो आज भी वैसे की वैसे ही हैं। लेकिन ध्यान रखना, नियोलिथिक एज में हम लोगों ने मड ब्रिक्स को यूज़ करना शुरू किया था। अब देखिए, उसके बाद आपका आ जाएगा चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज के बारे में मैंने आपको बता दिया, चालकोलिथिक एज हमारी शुरू होती है उस स्पेसिफिक टाइम से जब हम लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया था सबसे पहले कॉपर को, और कॉपर सबसे पहले यूज़ किए जाने वाला हम लोगों के द्वारा मेटल था, मेहरगढ़। अब देखो, मोर और लेस तुम लोग देखो कहाँ कहाँ तुम्हें चालकोलिथिक एज देखने को मिल रही है। मोर और लेस आपको ज़्यादा जो है वो आपकी साउथ इंडिया में या सेंट्रल पोर्शंस, जहाँ पे आपकी नदियों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, वहाँ पे तुम लोगों को ज़्यादा चालकोलिथिक एज की करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रही है। मेहरगढ़ है एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे तब हम मेहरगढ़ को भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन कहानी सिंपल सी है कि मेहरगढ़ उतनी ज़्यादा एडवांस्ड आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं होगी। जो आपकी एडवांस सिविलाइजेशन होंगी वो आपकी यहाँ पर रहेंगी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये पंजाब वाले एरियाज़ में, आपकी हरियाणा वाले एरियाज में, राजस्थान वाले एरियाज में, उत्तर प्रदेश वाले एरियाज में, जहां पे कहीं ना कहीं जो है वो आपकी पेरिनियल रिवर्स हैं, जहां पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ज्यादा होगी। ये अपने आप को एडवांस कर लेंगे धीरे धीरे और ज्यादा मेटल, बेटर मेटल यूज करना शुरू कर देंगे या एलॉय यूज करना शुरू कर देंगे, जिसको हम लोग कहेंगे डेट इज योर ब्रॉन्च। तो ये आपकी चालकोलिथिक एज की छोटी सी कहानी है। चालकोलिथिक एज में मेटल यूज करना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो इम्प्रूव होगी। लेकिन चालकोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज में डिफरेंस समझ लो फिर से। चालकोलिथिक एज उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए, ठीक है, जैसे ब्रह्मगिरी है, हल्लूर है, पिकलीहाल है, मास्की है, जोरवे है, रंगपुर है, ठीक है, इसके बारे में आहार है, ये अलग अलग साइट्स के नाम है, कोल्डी हवा है, ठीक है, पांडू है, जौनपुर है, गणेश्वर है, इनाम गांव है, ये सारे के सारे जो साइट्स आपकी देखने को मिल रही हैं ये साइट्स आपकी चालकोलिथिक है। तो यहां पे आप लोगों को कुछ साइट्स ऐसी भी दिख रही होंगी जो आपने नियोलिथिक में देखी, तो नियोलिथिक मतलब वहां पे उस तरह के नियोलिथिक में जिस तरह के एविडेंसेस थे वो भी मिले, और कुछ टाइम के बाद हम लोगों को वहां पे कॉपर भी देखने को मिला। तो यही कारण था कि वो चालकोलिथिक में भी आ रहे हैं और साथ में नियोलिथिक के अंदर भी आ रहे हैं। क्लियर। अब देखिए, चालकोलिथिक की खासियत क्या थी कि यहाँ पे ऑब्वियसली बात है पॉटरी जो है वो आपकी और ज़्यादा बेटर होगी। नियोलिथिक में जहाँ पे हमने पॉटरी की शुरुआत कर दी थी, चालकोलिथिक में पॉटरी और अच्छी होगी। तो यहाँ पे तुम लोग ब्लैक और रेड कलर की जो पॉटरी है उसको देखते हैं, उसके एविडेंसेज जो है वो हम लोगों को देखने को मिले हैं। डन। कुछ चालकोलिथिक साइट्स ब्रॉन्ज एज में कन्वर्ट हो जाएंगी, उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ब्रॉन्ज एज के अंदर की कौन कौन सी साइट्स हैं। और तुम देखना मैक्सिमम आपकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सारी आपकी, ये भी मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, मैक्सिमम जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आपको यहीं पे देखने को मिले, इन एरियाज में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वो वाले एरियाज हैं जो सबसे ज्यादा फर्टाइल एरियाज हैं। क्लियर। डन। अब देखो यार, जो चालकोलिथिक एज थी, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा ना, जैसे देखो चालकोलिथिक एज में अलग अलग तरह के कल्चर्स में चालकोलिथिक एज को हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे देखो, एक है कल्चर जैसे आहार है, एक आपका कल्चर जैसे रंगपुर है, कयस्था है, ठीक है, आपका क्लियर, आपका जोरवे है। तो ये अलग अलग कल्चर में डिवाइड करने का मतलब है कि कुछ डिफरेंट तरह की पॉटरी में इन्वॉल्व हैं, कुछ पॉलिश कर रहे हैं अपनी पॉटरीज को, कुछ ब्लैक कलर की कर रहे हैं, कुछ रेड कलर की कर रहे हैं। तो उस तरीके से हम इन चालकोलिथिक कल्चर को डिवाइड करते हैं। अब बस थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आहार कल्चर आ जाएगा, तो आहार कल्चर सबसे पुराना कल्चर माना जाता था। तो आहार कल्चर जो है वो आपका राजस्थान में सिचुएटेड था। ये सिर्फ वो वाला एरिया रहेगा जहाँ पे बर्नट ब्रिक्स को यूज़ करना शुरू कर दिया जाएगा पत्थरों के साथ साथ। बाकी आपको चालकोलिथिक एज में ज़्यादा मड ब्रिक्स देखने को मिलेगी, सूखे जो आपकी कच्ची ईंटें होती हैं वो देखने को मिलेगी, लेकिन जो आपका आहार है उसमें आपको कुछ जगहों पे बर्नट ब्रिक्स भी देखने को मिलेगी। इसका शायद कारण ये हो सकता था क्योंकि इसी एरिया के पास आपकी ब्रॉन्ज एज की बहुत बड़ी और बहुत एडवांस साइट्स भी देखने को मिलेंगी, तो शायद आहार कल्चर इसलिए थोड़ा सा बेटर था।
उसके बाद तुम मालवा कल्चर की बात करोगे तो वो मध्य प्रदेश में आपको लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपकी कयस्था आ गई, नवदा तोली आ गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा रेलिवेंट आपकी सेटलमेंट्स देख रहेंगी। उसके बाद आपको जॉर्वे कल्चर मोर और लेस आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, जहाँ पे दैमाबाद है, ध्यान रखना सब लोग, दैमाबाद बाद में आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी इसको रीड करोगे। उसके बाद आपका इनाम गाँव आएगा, ये भी आपका जॉर्वे कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर आपको देखो मड हाउसेज ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है, अब देखो सबसे जो आपका एक तरह से यंगेस्ट है, जैसे ओल्डेस्ट तो आपका आहार कल्चर है, सबसे ज्यादा टाइम तक चलने वाला जो आपका कल्चर था वो था जॉर्वे कल्चर। बस इतना ध्यान रखिए, तीन चार तरह के कल्चर होते हैं चालकोलिथिक में। आहार कल्चर आ गया जो राजस्थान में है, मालवा कल्चर आ गया जो मध्य प्रदेश वाले एरिया में, जॉर्वे कल्चर आ गया जो महाराष्ट्र वाले एरिया में है, क्लियर है। उसके बाद आपका स्वालदा आ गया, ये भी आपका महाराष्ट्र धुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आपका रंगपुर आ जाएगा, देखिए रंगपुर साइड यहाँ पे थी जो आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा, क्लियर है। और रंगपुर जो है वो आपका खासियत क्या थी कि वहाँ पे आपको पॉलिश्ड रेड वेयर देखने को मिलते थे, लाल रंग के जो पॉटरीज थी वो देखने को मिलती थी। इसको इतनी डिटेल में मत जाइए, बस याद रखिए कि अलग अलग तरह के कल्चर हैं, आहार, मालवा, जॉर्वे, स्वालदा, प्रभास, रंगपुर, बस क्लियर। और कौन कौन से कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट हमारा रह जाएगा, देखिए हम लोगों ने बोला था कि कल्चर को हम लोग साथ साथ इंटीग्रेट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो समझिए कल्चर और आर्ट का डिफरेंस क्या होता है। कल्चर जो है वो एक स्पेसिफिक सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं। आर्ट उन नॉर्म्स और वैल्यूज की रिफ्लेक्शन है, चाहे वो इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन है चाहे वो कलेक्टिव रिफ्लेक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी सोसाइटी इस टाइम पे हंटिंग में इन्वॉल्व है और मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा मैं इसको जो है वो किस तरह से किस एक्सप्रेशन के रूप में बताऊं, कुछ लोग कहानियां सुना के बताएंगे, कुछ लोग गाके सुनाएंगे, मैं इनको पेंटिंग्स के रूप में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्लियर कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जो है वो ऐसे हंटिंग हुआ करते थे जिसमें लोग जो थे वो एनिमल्स के ऊपर बैठ के दूसरों की शिकार किया करते थे, लड़ाया करते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, क्लियर है। तो पेंटिंग एक तरह से या जो आर्ट होती है वो आपकी रिफ्लेक्शन होती है उस पर्टिकुलर सोसाइटी, उस पर्टिकुलर कल्चर की। तो देखना धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारे कल्चर के डायमेंशन है, आर्ट के डायमेंशन है, वो बढ़ते जाएंगे। अभी हम सिर्फ पेंटिंग की बात करेंगे क्योंकि प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो सबसे बड़ा कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो आर्ट के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट इज योर पेंटिंग। दूसरा एक हमने कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दैट इज योर पॉटरी। पॉटरी को एक बार रिवाइज कर लो। सबसे पहले पॉटरी मेकिंग हम लोगों ने देखा था कि जो नियोलिथिक एज थी वहां पे आप लोगों ने ब्लैक और ग्रे कलर की पॉटरी यूज करने शुरू की थी। फिर चालकोलिथिक में आप लोगों ने ब्लैक और रेड कलर के पॉलिश्ड पॉटरीज जो है वो डेवलप की। और साथ में सेकेंड जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट अदर देन पॉटरी, दैट इज योर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। इसके साथ अगर मैं और रिफ्लेक्शन की बात करूं, जैसे इवन आर्किटेक्चर इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ योर कल्चर। जैसे हमारा जो आर्किटेक्चर था नियोलिथिक में या चालकोलिथिक में, तो हमने देखा हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, हम लोग जो है वो मड ब्रिक्स को यूज कर रहे हैं और चालकोलिथिक साइट्स पे कुछ जगह पे हम लोग बर्नट ब्रिक्स को यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या ब्रॉन्ज एज में जाएंगे तो हम देखेंगे वहां पर सारे लोग जो है वो एक ही तरह का जो आपका ब्रिक्स है या एक ही तरह का जो नेचर है उसको यूज करेंगे। नो डाउट कुछ एक्सेप्शन रहेगी धोलावीरा वगैरह जहां पे स्टोन्स को यूज किया जाएगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में, लेकिन मोर और लेस वहां पे ज्यादा एडवांस्ड आर्किटेक्चर रहेगा। तो आर्किटेक्चर भी आपका एक तरह से कल्चर का या आर्ट का रिफ्लेक्शन है, आर्ट की एक फॉर्म है। अब देखिए अगर मैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की बात करूंगा तो इन्होंने कौन कौन से कलर यूज किए। इन्होंने व्हाइट कलर यूज किया, येलो किया, ऑरेंज किया, रेड किया, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक। सबसे ज्यादा जो हम लोगों को पेंटिंग्स में रंग देखने को मिले हैं वो दो रंग देखने को मिले हैं, दैट इज व्हाइट एंड रेड। ठीक है, व्हाइट एंड रेड। अब देखो सवाल आता है कि जो कलर थे ये कैसे बनाते थे। अब देखो यार तुम लोग देखो, जैसे जहां से हमारी रॉक, जैसे जहां से हमारा आयरन निकलता है, तो जिस रॉक से हमारा आयरन निकलता है उस रॉक का कलर जो होता है वो रेड होता है। तो नॉर्मली जो रेड कलर थे वो हेमेटाइट रॉक से एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। जो लाइमस्टोन है उसका कलर वाइट होता था, तो लाइमस्टोन से जो थे वो सफ़ेद रंग एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। तो मोर और लेस इन लोगों ने जो कलर्स यूज़ किए वो कलर्स आपकी रॉक्स के कलर्स ही थे। तो जिस जैसे हम देखते हैं ना कि कभी काले रंग की रॉक है, ब्लैक कलर की रॉक है, ब्राउन कलर की रॉक है, रेड कलर की रॉक है, तो जब हम उस रॉक को छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक भी करते हैं तब वो रॉक का कलर जो है वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो इन पर्टिकुलर पेंटिंग्स में जो रिफ्लेक्शन देखने को मिली है वो हम लोगों को जो है वो किनकी देखने को मिली है, रॉक्स के ही, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। रॉक्स को ही ग्राइंड किया जाता था और उन्हीं से ही पेंटिंग्स के अंदर कलर भरे जाते थे। और साथ में एक और चीज़ ध्यान रखना, जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स थी इनको हम लोग जो है वो पेट्रोग्लिप्स के रूप में भी जानते हैं। पेट्रोग्लिप्स का मतलब क्या होता है, जहां पे तुम किसी चीज को दीवार के ऊपर एनग्रेव कर देते हो, मतलब पहले पत्थर से चिजल करो, एनग्रेव करो, फिर उसके अंदर जो है वो रॉक कलर को फिल
करो तो आज इतने साल हो गए हैं हमारी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग को। जैसे सबसे पुरानी पेंटिंग आपकी जो है वो एक भीमबेटका की पेंटिंग है, तो भीमबेटका की पेंटिंग 10,000 साल 12,000 साल पुरानी है, लेकिन उसके बावजूद आज भी हम लोगों को वो पेंटिंग जो है वो इंटैक्ट मतलब वैसी अच्छी देखने को मिलती है। थोड़ी देर में मैं आपको उनकी फोटो भी दिखाता हूँ। तो पहली चीज समझ आई, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स में कौन कौन से कलर यूज हो रहे हैं और उन कलर्स को वो कहाँ से यूज कर रहे हैं। और साथ में ऐसा भी माना जाता है कि जो रॉक्स के साथ जब, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग रॉक्स के अंदर मौजूद रहेंगे, तो जब ये आपस में मिक्स होते तो शायद केमिकल रिएक्शन के कारण भी आज भी ये कलर जो है वो इतने सालों के बाद भी मौजूद हैं। साथ में पेंटिंग जो है वो हमें ऑक्यूपाइड एंड अनऑक्यूपाइड केव्स में देखने को मिली है। देखिए यार, एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं किसी स्पेसिफिक केव के अंदर रह रहा हूँ, मेरी हैबिटेशन वहीं पे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं कोई इंसान जो है, जो आर्टिस्टिक इंसान है, वो वहाँ पे अपने कल्चर को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। तो केव्स के अंदर जब इंसान रहा करता होगा तब शायद उसने उस तरह की पेंटिंग को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ जगह पर हमें ये एविडेंसेज मिले हैं कि इंसान वहाँ पर रहता था, कुछ जगह पर नहीं भी मिले हैं। लो अगेन मे बी यहाँ पे दो मतलब हैं, शायद एक रियलिटी में बताना चाहते होंगे वो और लोगों को कि उनकी सोसाइटी या उस पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है उसकी रिफ्लेक्शन क्या है, या शायद वो सिर्फ शौकिया तौर के लिए जो वो पेंटिंग्स को एग्जीक्यूट करते होंगे जब शाम को घर आके अपना जब आपका लेजर टाइम है उसको स्पेंड किया करते होंगे। ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है। देखिए यार, हिस्ट्री की कहानी यही है, हिस्ट्री देखने का नज़रिया है। हिस्ट्री को तुम किस तरीके से देख सकते हो, स्पेशली जो एंशियंट हिस्ट्री है जिसके बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं है, स्पेशली जो प्री हिस्टोरिक है जिसके एविडेंसेस तो है ही नहीं, जो सारे के सारे जो अभी हम लोगों को आइडिया लगा है 1957 में हम लोगों को पता चला कि भाई जो सबसे पुराना मतलब सबसे पुरानी जो भीमबेटका के अंदर पेंटिंग्स है वो इतने साल पुरानी है, ठीक है, इतने 1,000 साल पुरानी है। तो कल्चर धीरे धीरे जो है वो आपकी प्री हिस्टोरिक पीरियड जैसे जैसे एविडेंसेज मिलते रहते हैं वैसे वैसे हमें उनके बारे में और ज़्यादा आइडिया लगना शुरू कर देता है। जैसे हम भीमबेटका की बात करेंगे तो इन, और दूसरी बात क्या है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा, बाद में तुम लोग देखना कि जब बुद्धिस्ट आएंगे, जैन आएंगे, तो वो मॉन्क्स भी केव्स के अंदर ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिलता है कि उन्हीं केव्स के अंदर मल्टीपल लेयर्स बनी है। मल्टीपल लेयर्स का मतलब है कि पहले मान लो मैं आया, मैंने पेंटिंग कर दी, उसके बाद आप लोग आए, आपने पेंटिंग कर दी, उसके बाद 100 साल बाद कोई आया, उसने पेंटिंग कर दी, उसके बाद 1,000 साल बाद आया, उसने कोई पेंटिंग कर दी। तो भीमबेटका के अंदर हम लोगों को कभी कभी 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग जो है वो देखने को मिली है। उसके साथ साथ ये प्रॉपर जियोमेट्रिकल पैटर्न जिनमें वो सिम्बलाइज करते थे, मेल फीमेल कितना हाइट होगा, लीडर का कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो प्रॉपर जियोमेट्रिकल पैटर्न जो है वो पेंटिंग्स को बनाने के लिए यूज किए जाते थे। जो मेन थीम थी वो आपकी थी हंटिंग सीन्स थे, फ्लोरा फौना मतलब वेजिटेशन, एनिमल्स ह्यूमन मिथिकल क्रिएचर्स, कार्ट चैरियट, ये सारे के सारे जो थे वो आपके हमें या हम लोगों को जो है वो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स में देखने को मिले हैं। बेसिकली जो चैरियट वगैरह है बहुत बाद में जब मतलब भीमबेटका के ऊपर मल्टीपल टाइम के बाद जो है वो आप लोगों ने पेंटिंग की, तो चैरियट वगैरह तब ज़्यादा देखने को मिले, प्री हिस्टोरिक में चैरियट वगैरह ज़्यादा देखने को हम लोगों को नहीं मिले थे। अब देखिए, जैसे अपर पेलियोलिथिक आर्ट की बात करूंगा, यहां ध्यान रखिए, पेंटिंग्स मिडल और जो लोअर पेलियोलिथिक एज है उसका पेंटिंग के एविडेंसेस नहीं है। जो पेंटिंग के एविडेंसेस हैं, जो 10,000 BC के आसपास के एविडेंसेस हैं, वो हमारे अपर पेलियोलिथिक आर्ट के एविडेंसेस हैं। तो अपर पेलियोलिथिक आर्ट में अगेन जो कलर यूज होंगे वो रेड वगैरह जो है वो ज़्यादा यूज कलर किया जाएगा इनके द्वारा, साथ में टाइगर्स एलिफेंट्स राइनोज, ठीक है, ह्यूमन फिगर्स जब उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इंसान जो है वो आपका शिकार करने जा रहा है। उसके साथ साथ जो है वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग आपकी भीमबेटका की है। इसके अलावा भी हम लोगों को अपर पेलियोलिथिक पेंटिंग जो है वो अलग अलग जगहों के ऊपर देखने को मिलती है, जैसे मिर्ज़ापुर में देखने को मिलती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वेलन वैली के अंदर हम लोगों को जो है वो पंचमढ़ी में भी पेलियोलिथिक पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। तो आसान भाषा में जितना है, जितना हमने जो फीचर्स इससे पुराने वाली स्लाइड्स में डिस्कस किया उतना आप लोगों के लिए सफिशियंट है। उसके बाद अगर हम मीजोलिथिक की बात करेंगे तो मीजोलिथिक थोड़ी सी एडवांस है, जहाँ पर अगेन हंटिंग सीन्स आएंगे, वुमेन को जो है वो पेंट किया जाएगा कपड़ों के अंदर भी और न्यूड भी, साथ में बूढ़े और जवान दोनों को पेंटिंग्स के अंदर जगह मिलेगी, डांसेस जो है वो पेंटिंग्स के अंदर आ जाएंगी, फैमिली जो है वो अब उसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे जिसमें वुमेन मैन चिल्ड्रन एक ही पेंटिंग के अंदर मौजूद रहेंगे, साथ में जो वेपन्स ज्यादा एडवांस वेपन्स हैं एनिमल्स हैं उनको भी यूज करना शुरू किया जाएगा बहुत बड़े लार्ज स्केल के ऊपर, और यहां पर इंसान जो है वो थोड़ा सा ज्यादा स्टाइलिस्ट दिखना शुरू होगा। तो आसान भाषा में क्रक्स समझिए क्या है, जो आपका नियोलिथिक और मिजोलिथिक पेंटिंग है, इन दोनों पेंटिंग्स
आपके उस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये पेंटिंग्स कम्प्लीटली नेचुरल पेंटिंग्स थी, जैसा उस टाइम की सोसाइटी थी ये पेंटिंग्स उस सोसाइटी को एज इट इज़ रिप्रेजेंट करती थी। जो एनिमल्स थे उन एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जब फैमिली स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ मिजोलिथिक में और नियोलिथिक में, तो जब मिजो या नियो में पेंटिंग्स देखने को मिलेगी तो वहाँ पर फैमिली भी आएगी, वहाँ पर थोड़े ज़्यादा एडवांस्ड कलर्स यूज़ होंगे, ज़्यादा अच्छे ढंग से पिक्चर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो आइडिया लगता है प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, तो पेंटिंग्स बहुत बड़ा या बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्लियर? इसके साथ लास्ट न्यूज आ जाएगी, दैट इज मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर के बारे में जब मैंने टॉपिक शुरू किया था वहां पे डिस्कस किया था, मेगालिथिक कल्चर के ऊपर दो इंपॉर्टेंट न्यूज जो हैं वो हम लोगों की रही हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज ये रही है कि मेगालिथिक इरा की एक जो स्वॉर्ड है और कुछ पॉटरी जो है वो हम लोगों को पुथुवेचेरी कन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के अंदर देखने को मिली है। और ऐसा मानना गया है कि जो आपकी स्वॉर्ड है ये 2500 साल पहले की है। तो अगर हम 2500 ईयर्स पहले की बात करेंगे तो मोर और लेस वो आपका 5-600 बीसी के आसपास आएगा। तो मेगालिथिक एज जो थी वो उसके हमारी जो ड्यूरेशन है, जो आपकी साउथ इंडिया के अंदर मैक्सिमम मेगालिथिक पाया जाएगा, इसकी जो ड्यूरेशन है वो आपकी 2000 से लेके 300 या 500 बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट तक, जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मेगालिथिक न्यूज़ में था क्योंकि केरला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, केरला में कन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुथुवेचेरी जगह के ऊपर हम लोगों को स्वॉर्ड और कुछ पॉटरी देखने को मिली है। तो वो कहीं ना कहीं मेगालिथिक पीपल या मेगालिथिक लोगों के बारे में बताती है, क्योंकि हम लोगों को नॉर्मली इतना आइडिया था कि मेगालिथिक उतने ज़्यादा एडवांस्ड, उतने ज़्यादा नॉर्थ इंडिया की तरह स्किल्ड नहीं थे वॉर में। ये मेगालिथिक में जब संगम एज होगी, जब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का जो है वो एक तरह से रिलेशन बिल्ड होगा, रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, उस टाइम पे जो है वो आपका साउथ इंडिया में प्रॉपर एक वॉरफेयर प्रैक्टिसेस जो है उनको यूज़ किया जाएगा, उससे पहले उतने ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। दूसरी न्यूज़ क्या है कि केरला के अंदर ही इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोगों को 3000 साल पुरानी, जो कि अगेन मेगालिथिक कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े, देखो यार सिंपल सी बात है, पूरे मेटामॉर्फिक रॉक्स वाले एरियाज है जहाँ पे तुम्हें बहुत बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे। तो बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे तो ऑब्वियस बात है वो जो बड़ा बिग साइज स्टोन्स है वो आपके मेगालिथिक कल्चर को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों को जो है वो एक मेन्हीर देखने को मिले। मेन्हीर का मतलब पता क्या होता है? मेन्हीर का मतलब होता है एक बड़ा खड़ा पत्थर, मतलब ऐसे मान लो कि 5 फीट का पत्थर, 10 फीट का पत्थर, ये जो आपका है वो आपका 20 फीट का पत्थर है जो आपको केरला में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिला है। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा पत्थर, जितने हमें मेगालिथिक के पत्थर मिले हैं उनमें शायद यही पत्थर सबसे बड़ा है, ये हम लोगों को जो है वो पोथामला हिल्स के अंदर देखने को मिला है, जिसका प्री हिस्टोरिक जो है वो आपका ओरिजिन है। उसके साथ यहाँ पे मैंने लिखा ही है कि मेगालिथिक जो है उसका मतलब क्या है, इसको मैं इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मेन डिस्ट्रीब्यूशन आपके केरला तमिलनाडु के अंदर मेगालिथिक कल्चर जो है वो आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये आपका हमारा पहला टॉपिक था जिसकी इंट्रोडक्शन थी। अगेन इन पर्टिकुलर लेक्चर्स को आप लोग एक तरह से रिवीजन के लिए यूज़ करिए, और अगर कोई ज़्यादा डाउट रहेगा तो आप डाल दीजिए। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। ये वाली जो स्लाइड है वो आपके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से इसको रिवाइज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। क्लियर? लेकिन अगेन जो आपके सोर्सेज हैं, जहाँ से आपने अभी तक प्रिपरेशन की है, उनको साथ साथ रिवाइज करते रहिए। चलिए आज का लेक्चर यहीं कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।